सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते, मैं हूँ आलोक। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया। और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत लाइव। अपने इस महाराष्ट्र के टूर में कल रात हम पहुंचे थे रायगढ़ फोर्ट के पास, एक गांव है पांचड़ गांव, वहां पे हम रात को रुके थे। तो जिस घर में हम रुके थे उस घर के सामने ही एक पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पे हम दोनों बैठे हैं और हम यहाँ पे योग करेंगे। जब हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं या लॉन्ग राइड करते हैं बाइक पर, तो हमारे हाथ बहुत ऐंठ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, मतलब दर्द होता है हाथों में यहाँ पे, और पूरी बॉडी में ऐसा थकान सा महसूस होता है। तो ऐसे कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं या योग हैं जो करें हम, और वो करने के बाद हमारी बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाए, ऊर्जावान हो जाए? तो वैसे ही योग हम आज करने वाले हैं। पहाड़ों की हमारी पहली सुबह। जब सो के उठने के बाद आपके सामने ये नजारा हो, वाह, दिल कहता है कि बस और क्या चाहिए। पहाड़ों में एक छोटा सा बसेरा हो और जहाँ पे सुकून सुकून और बस सुकून हो। तो आज हम पहाड़ों में योग करेंगे। योग को हम कभी नहीं छोड़ते हैं, योग हमेशा हमारे साथ रहता है जहाँ भी हम लोग जाते हैं। योग से बॉडी, दिमाग, मन, आत्मा सब शांत रहता है और आपको कुछ नया करने का ऊर्जा मिलती है। मैं कैसे जोड़ूं हाथ दोनों? ये बहुत ऊंचा है यार। तो फाइनली मैं चढ़ गई हूँ। और ऊपर जाएंगे क्या? अभी ये हमारा जो येलो वाला आपको दिख रहा है, इसी घर में हम रुके थे रात में। ये देखिए, इसके सामने एकदम बिल्कुल ऊंचा पहाड़ है। तो हम लोग जा रहे हैं उस पहाड़ पे, कोशिश करेंगे चढ़ने की चोटी पे, और वहाँ पे हम लोग योग करेंगे। वाओ, सूर्यदेव के दर्शन पहाड़ के ऊपर से। Finally, we reached on the top of this mountain. Wow! Oh my God, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको पूरा नजारा दिखाती हूँ। Wow. ये देखिए चारों तरफ पहाड़। हम पहाड़ के टॉप पे हैं और ये पूरा नीचे का नजारा है। चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ की चोटी पर खड़े प्रिया और आलोक। चलिए अब हम योग करते हैं। जब हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं या लॉन्ग राइड करते हैं बाइक पर, तो हमारे हाथ बहुत ऐंठ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, मतलब दर्द होता है हाथों में यहाँ पे, और पूरी बॉडी में ऐसा थकान सा महसूस होता है। तो ऐसे कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं या योग हैं जो करें हम, और वो करने के बाद हमारी बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाए, ऊर्जावान हो जाए? तो वैसे ही योग हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले जरूरी है आपके हाथों को फ्री करना, इसको संधि संचालन भी बोलते हैं और सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में क्या होता है कि अपने हाथों को कितना हो सके उसको प्रेस करना है, करना जिम करने वाले को स्ट्रेचिंग के लिए भी बताया जाता है। क्योंकि जब राइड करते हैं या फिर ड्राइव करते हैं तो हाथों में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हाथों को सीधा करके उसको प्रेशर करके जितना हो सके उतना स्ट्रेस कीजिए इसको।
धीरे धीरे सर्कल बनाते हुए क्लॉक वाइज गोल्डन बनाएं। थोड़ा पैरों के लिए थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं, पैरों के लिए व्यायाम कर, दोनों पैरों को फैलाएं ऐसे और आपके जो पैरों के पंजे हैं उनको ऐसे अप एंड डाउन करें। नहीं कुछ समझ में आ रहा है योग का, सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कर लें, 12 आसन है और जो 12 आसन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक दो बार पूरी ट्रैवलिंग में आप लोग एक दो बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए तो पूरा योग हो जाता है सूर्य नमस्कार में। तो अभी हम 2 मिनट के मेडिटेशन के साथ अपना ये योग का जो सेशन है वो खत्म करते हैं। ट्रैवलिंग में एक बार आप जरूर योग करके देखें, आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में योग करना चाहिए ट्रैवल, और आप फिर से अपने बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रैवलिंग। योग का दूसरा नाम ही रिचार्ज करना है। तो आज हमारे योग की जगह थी पहाड़ की चोटी, कल देखते हैं कौन सी जगह होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपको रायगढ़। तब तक के लिए नमस्ते। तो अभी हमारा योग हो चुका है, अब हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे। चलिए रायगढ़ फोर्ट के लिए देर हो जाएगा नहीं तो। योग के लिए तो इनका ऐसा रहता है कि दिन भर इनको योग ही कराते रहो। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ योग, योग ही जीवन है, सुना।